टू बस ए एंड बी आर एट पोजिशन 60 मीटर एंड 160 मीटर फ्रॉम द ऑरिजिन एट टी बराबर 0। ठीक, इसे बना लो पहले। ये मान लो ये ऑरिजिन है और इससे ये बस ए है जो 60 मीटर की दूरी पर है, दैट मीन्स एक्स जीरो ए, ये डिस्टेंस मानी मैंने, और ये 60 मीटर पे रखी है, और ये वाली बस है हमारी बी, और ये ओरिजिन से एक्स जीरो बी 160 मीटर दे रखी है। इस समय टाइम जीरो है, यहाँ पर भी टाइम जीरो है। ठीक, बस डायग्राम ही इंपॉर्टेंट है इसका। अब कह रहा है दे स्टार्ट मूविंग इन द सेम डायरेक्शन साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ चलना शुरू करते हैं विद यूनिफॉर्म स्पीड 54। ये स्टार्ट किया इसने 54 किलोमीटर पर आवर है, इसे चेंज कर लेता हूँ 5/18, 15 मीटर पर सेकेंड आ गया, और ये 36 किलोमीटर पर आवर है, इसकी स्पीड है 36 मल्टीप्लाइड बाई 5/18, मतलब 10 मीटर पर सेकेंड आ गया। ठीक, फिर कह रहा है कि डिटरमाइन द टाइम एंड पोजिशन एट विच ए एंड बी विच ए ओवरटेक बी। ठीक, तो देखो लेट कर लेते हैं इसी को रिड्रॉ कर लेते हैं कि पोजीशन टाइम पर टी वाला जीरो टाइम पर कार ए यहां पे थी और पोजीशन बी वाले पॉइंट पर कार टी रावत जीरो पर यहां पे थी, ये ए पे थी ये बी थी। अब मान लो किसी इंस्टेंट टाइम पर, मान लो यहां किसी इंस्टेंट टाइम पर कोई टाइम है टी, इस इंस्टेंट टाइम पर बी यहां से चल के यहां पहुंच गई और ए थोड़ा सा नीचे बना के बना दूं, ए ओवरटेक कर रही है, इसीलिए ए मान लो यहां पे थी और ये इसको ओवरटेक कर रही है यहां, ये ए वाली और ये वाली। तो देखो बी टी सेकंड में यहां पे पहुंची, तो यहां से बी को टाइम लगा टी सेकंड, तो ए को भी यहां से टी सेकंड लगना चाहिए, दोनों का टाइम बराबर होगा। तो ये इस जगह पर मान लो टी किसी इंस्टेंट टाइम पर ये ओवरटेक कर रही है, ये क्या कर रही है, ओवरटेक कर रही है ए, ए बी को ओवरटेक कर रही है, बी टी सेकंड में यहां पहुंचती है और ए उसी टाइम टी सेकंड में यहां पर पहुंच जाती है, तो ओवरटेक कर रही है। तो बताओ ए ने कितनी डिस्टेंस चली बेटा, ए ने डिस्टेंस चली अगर देखें टी सेकंड में, तो टोटल देखें यहां से पोजीशन, ये तो आपका एक्स जीरो हो गया और ये हो गया पूरा, ये पूरा हो गया एक्स ए इन टी सेकंड, तो एक्स जीरो टाइम इंटरवल जीरो टाइम पर प्लस कितनी स्पीड से चला है, ए चला है 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से और टी सेकंड चला है, तो कितनी डिस्टेंस चली 15 × t। ये 60 मीटर पर था जब टाइम जीरो था, हम ओरिजिन से ही डिस्टेंस निकालते हैं बेटा, ठीक है, ओरिजिन से पोजीशन निकाल रहा था ओरिजिन से, तो 15 × t, ये तो फर्स्ट इक्वेशन हो गई। ऐसे ही अगर हम बी की बात करें तो बी वाला जो आपका है वो पहले से ये एक्स जीरो है, ये रही इस 100, ये ए का है ये बी का प्लस, अब इसने टी सेकंड में कितनी डिस्टेंस चली, तो ये चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो 10 × t, और ये वाली वैल्यू 160 रखी है प्लस 10 × t। ऐसे अगर आपको ये समझ में आया तो अब एक्स से और एक्स भी देखोगे तो आप एक्स से ओरिजिन से मतलब यहां से ये डिस्टेंस दोनों की बराबर है, एक्स से और एक्स भी आफ्टर टी सेकंड बाद किसी इंस्टेंट टाइम पर, तो अगर बराबर है तो हम यहाँ लिख सकते हैं एक्स ए इज इक्वल टू एक्स बी। ये तब है जब ए क्या कर रहा है, ओवरटेक कर रहा है बी को, तब इस वाली केस में 60 + 15 t इज इक्वल टू 160 + 10 t, और इसको 10 t को दलाएंगे तो 5 t और इसको दलाएंगे तो 100, तो ओवरटेक करने में उसे लगे 20 सेकेंड। उसकी पोजीशन ऑफ ए
पोजीशन ऑफ ए, ए की पोजीशन कहें तो एक्स ए इज इक्वल टू एक्स जीरो ए प्लस आपका कितना 15 इंटू टी, ये 60 है, और प्लस 15 इंटू 20, ये 60 हो गया, प्लस ये 300 हो गया, 360। तो बी की भी पोजीशन यही होगी क्योंकि ओवरटेक करते समय दोनों बराबर डिस्टेंस पर ही होंगे आफ्टर टी सेकेंड बाद। एक्स बी एक्स जीरो बी प्लस 90, तो देखो ये 160 है और ये 20 रखेगा यहाँ पे, तो ये 200, तो ये भी 360 आएगा मीटर, ये भी 360 मीटर आएगा। ठीक,